हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड इंडिया में जितनी भी न्यूज़ मीडिया है या फिर वेबसाइट है जो कि न्यूज़ पब्लिश करते हैं, वो वहां पे नेगेटिव न्यूज़ फैला रहे हैं या फिर बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी बैन होने वाली है। प्लस यहाँ पे बिटकॉइन डाउन गया था, जिसकी वजह से थोड़ा हमें मार्केट में डंप देखने को मिला था। ये दो ऐसे रीजन थे जिसकी वजह से हमें क्रिप्टो मार्केट में डंप देखने को मिला। तो आज का जो मेरा वीडियो है, मैं आपको क्लियर कर दूंगा क्या सच में इंडिया में क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाएगा और ये क्रिप्टो मार्केट क्यों डंप हुआ है। इस वीडियो में सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगा, आपको जरा सा भी इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो पिछले कुछ दिनों से मैं एक्टिव नहीं था यूट्यूब और टेलीग्राम पे हेल्थ इशू की वजह से। यहाँ पे मैं अब आ गया हूँ, आपका जो भी डाउट है मैं उसे क्लियर करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया में क्या सच में क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं मार्केट में जो नेगेटिव न्यूज आ रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो क्रिप्टो करेंसी को बैन करने वाली है। तो देखिए, जो मेन न्यूज चलाया जा रहा है क्रिप्टो बैन से रिलेटेड, पार्लियामेंट में जो डॉक्टर शशि थरूर हैं उन्होंने क्वेश्चंस किए थे क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, और जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस थे श्री पंकज चौधरी उन्होंने आंसर दिए हैं। इसी के बेस पे ये न्यूज चल रहा है और उन्होंने जो आंसर दिए हैं उसको हम पहले डिकोड करते हैं। पहला जो था, जो क्वेश्चन था, द स्टेटस ऑफ क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग इन इंडिया। यहाँ पे आप देखेंगे शशि थरूर जो थे उन्होंने क्वेश्चन किए थे और जो आंसर थे वो श्री पंकज चौधरी ने दिया है। तो पहला जो ए है वो क्वेश्चन यही था कि जो द स्टेटस ऑफ क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग इन इंडिया, तो इंडिया में क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग का क्या स्टेटस रहा है। तो पहला आंसर यही था कि दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। तो ये जो स्टेटमेंट था वो पुराना स्टेटमेंट था जब फाइनेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली बोला था कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करती कि कितने नंबर ऑफ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है इंडिया में, कितने ट्रेडर्स हैं, और यहाँ पे उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है ये जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है उनके थ्रू कोई फ्रॉड हुआ है। तो यहाँ पे लगातार क्वेश्चन आंसर हुए हैं, जैसे कि जैसे सी है, एक क्वेश्चन है, द लॉज इन प्लेस टू प्रोटेक्ट ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स इन क्रिप्टो करेंसी फ्रॉम फ्रॉड एंड अदर मिसडीमीनर्स इन इट्स ट्रेडिंग। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का ही था। तो यहाँ पे उनका आंसर था, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द फ्रॉड वेरियस लॉस इंक्लूडिंग द इंडियन पेनल कोड 1860 और इन प्लेस ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्रॉड। तो इंडिया के पास पहले से ही पेनल कोड है 1860 का, तो इसमें कोई टेंशन नहीं। लेकिन जो मेन न्यूज है वो क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर से रिलेटेड है जो कि न्यूज चलाई जा रही है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे ये जो आया है तो ये आप देख सकते हैं ये एरिया, ठीक है, इससे रिलेटेड जो न्यूज चलाई जा रही है, जो मिसलीडिंग न्यूज, वो मैं पहले क्लियर कर दूं। तो ये जो आंसर आया है क्वेश्चन का, ये जो मिसलीडिंग न्यूज चलाई जा रही है, तो उनका जो आंसर था, द गवर्नमेंट डज नॉट कंसिडर क्रिप्टो करेंसीज लीगल टेंडर और क्वाइन विल टेक ऑल मेजर टू इलिमिनेट यूज ऑफ दीज क्रिप्टो एसेट्स इन फाइनेंस इलीजमेंट एक्टिविटीज और एज पार्ट ऑफ द पेमेंट सिस्टम। तो इनका जो मेन आंसर था कि ये जो अनाउंसमेंट है ये पहले भी हो चुकी है, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट कंसिडर नहीं करती है क्रिप्टो करेंसी या फिर क्वाइन को लीगल टेंडर में। लीगल टेंडर में क्या, जैसे कि आप मार्केट गए सब्जी खरीदने, दाल खरीदने, कोई शॉपिंग करने गए, तो वहां पर आप क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पेमेंट नहीं कर सकते, लीगल नहीं है। लेकिन लेकिन इंडिया में ट्रेडिंग करना, जितने भी एक्सचेंजेस हैं वहां पे ट्रेडिंग करना, इन्वेस्टमेंट करना, ये लीगल है। इस बात को समझना है, इसी बात को बिना समझे जो न्यूज चलाई जा रही है, हाफ बेक इंफॉर्मेशन, जो कि आधा जो ज्ञान होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है, इस बेस पे जो न्यूज चलाई जा रही है वो ज्यादा खतरनाक है। तो इंडिया 2018-2019 से बोल दी कि क्रिप्टो करेंसी है, जैसे फॉर एग्जांपल आप सब्जी लेने गए, शॉपिंग करने गए, तो वहां आप बिटकॉइन, इथेरियम या फिर डॉज कॉइन से पेमेंट नहीं कर सकते। इंडिया में जितने भी जगह आप जाएंगे घूमने फिरने खाने, वहां आप क्रिप्टो के थ्रू पेमेंट नहीं कर सकते, वहां पे आपको इंडियन रुपीज में ही पेमेंट करना होगा। आप ये समझ लीजिए, अगर आप अमेरिका से आते हैं ट्रेवल करके, वहां पे आपको करेंसी एक्सचेंज करना पड़ेगा, डॉलर को INR में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब इंडियन रुपीज लेके आपको आना पड़ेगा, तब आप इंडिया में घूम सकते हैं। तो इसी के बेस पे आप समझ लीजिए, मैं आसान भाषा समझा रहा हूँ, आप कुछ भी खरीदना चाहते हैं वो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू नहीं खरीद सकते, लेकिन आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन उस शेयर मार्केट से आप कुछ खरीद नहीं सकते। तो इंडिया में आप जितने भी एक्सचेंज है, वजीरेक्स है, क्वाइनबेस है, बाइनेंस है, जितनी भी फेमस फेमस क्रिप्टो एक्सचेंज है, वहां पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। जब आपको ट्रेडिंग करते हैं, आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो उस प्रॉफिट को आप निकाल सकते हैं, फिर उस करेंसी को कन्वर्ट करके INR में अपने बैंक अकाउंट में मंगाते हैं, वो लीगल है। तो इस चीज को बिना समझे
जो न्यूज चलाई जा रही है वो गलत है, जैसा चल रहा है मार्केट वैसा ही चलेगा, आप बेफिक्र होकर ट्रेडिंग कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं बात करूंगा जो मार्केट डाउन हुआ, देखिए कल ही की बात है, जो BSV है, बिटकॉइन SV, उसमें मैसिव 51% का अटैक आया। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं फॉर ओवर 3 आवर्स, करीब 3 घंटे तक जो अटैकर्स थे वो सक्षम थे, तो ऑल एक्सचेंजेस दैट रिसीव BSV डिपॉजिट ड्यूरिंग दैट टाइम माइट हैव बीन डबल स्पेंड। तो ऐसा हो सकता है कि उस टाइम पे जो 3 घंटे का समय था, उस टाइम पे जितने भी रिसीव हुए हैं डिपॉजिट के, हो सकता है वो डबल स्पेंड किया गया हो उस टाइम के ड्यूरेशन में। तो यहाँ पे इस न्यूज के चलते जो 51% का गिरावट देखने को मिली। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि BSV क्या है, तो यहाँ पे बता दूं कि बिटकॉइन SV करके एक टोकन है, ठीक है। तो बिटकॉइन SV की स्टार्टिंग हुई थी 2017 में, जब बिटकॉइन को एक हार्ड वर्क से गुजर रहा था, तो उस नेटवर्क को स्प्लिट किया गया, उसके रिजल्ट में हमें एक नया अल्ट कॉइन मिला जिसको हम बिटकॉइन कैश भी बोलते हैं। तो फिर 2017 में स्प्लिट होने के बाद जब बिटकॉइन कैश बना, तो फिर वापस से 2018 में बिटकॉइन कैश को, जो बिटकॉइन कैश था उसको भी हार्ड वर्क सफर करना पड़ा, और फिर उसके बाद मार्केट में आया बिटकॉइन SV। तो बिटकॉइन SV में जो SV है उसको बोला जाता है सतोशी विजन, बिटकॉइन सतोशी विजन, जिसको हम BSV बोलते हैं। तो इसी को 51% का अटैक देखने को मिला था, तो इसी की वजह से जो बिटकॉइन SV है उसमें थोड़ा सा हमें ड्रॉप देखने को मिला, और उसके वजह से थोड़ा बहुत हमें बिटकॉइन में भी इफेक्ट देखने को मिला, और प्लस ये जो न्यूज चलाई जा रही थी फेक न्यूज, इसको बोल सकते हैं कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी बैन होने वाला है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आपको बहुत सारी फेक न्यूज बताई जा रही है कि बैन से रिलेटेड, तो इसकी वजह से कुछ लोग डर के मारे क्रिप्टो करेंसी अपनी सेल करने लगे, तो उससे भी मार्केट में थोड़ा डंप देखने को मिला। देखिए आपको कोई अगर ऐसा न्यूज मिलता है तो आप खुद से क्लैरिफाई कर लें कि ये न्यूज सच है कि झूठ है, आप ऐसे न्यूज चक्कर ना पड़े। तो आपको अगर कोई फ्यूचर में ऐसा प्रॉब्लम लगेगा तो मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपके लिए हमेशा पॉजिटिव न्यूज लाता हूँ ताकि आप टेंशन में न रहें और पैनिक होकर अपना क्रिप्टो ना सेल कर दें। तो देखा दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया कि क्या सच में इंडिया में क्रिप्टो बैन हो जाएगी, ये जो क्रिप्टो मार्केट है क्यों डंप हुआ है। मुझे उम्मीद है जो आपका डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, कमेंट करना है, ताकि आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे मुझे मिलता रहेगा, मैं आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक आऊँगा नए वीडियो में किसी बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।